हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के लिए मैंने ये ब्लॉग आपके लिए बनाया है, क्योंकि आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। हालांकि ब्लॉग में मेरा बनाने का ये मकसद था कि मैं आपको कुछ इसमें सीख देने के लिए ये ब्लॉग बनाया है। दोस्तों, जन्मदिन तो सबका ही आता है, आपका भी आता है और आज मेरा भी आ चुका है। तो दोस्तों, हालांकि सभी कोई तो केक काट के बर्थडे मनाते हैं, कोई बर्थडे पार्टी, यानी कि कोई तो शो करता है उस बर्थडे पार्टी के लिए। तो आज हम कुछ ऐसा करने वाले ब्लॉग में जो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्लॉग को पूरा देखना, यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आप इस ब्लॉग को छोड़ कर जाओगे तो आपको केक खाने को नहीं मिलेगा। तो इस ब्लॉग में बने रहेगा, क्योंकि आपका भाई आज का ये ब्लॉग है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो आप इस ब्लॉग को देखते रहेगा। तो दोस्तों, जन्मदिन तो हालांकि सभी मनाते हैं केक से, क्योंकि मैं आज का जो जन्मदिन है वो ऐसा मनाने वाला हूँ जो आने वाले समय तक भी याद रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या करने वाला हूँ इस ब्लॉग में जो आपको, और दोस्तों एक और बात, ये हमारा बाण है ये, और इसे मिले आप और इसे मुलाकात करवाता हूँ। तो उधर हमारी यूट्यूब फैमिली से बात करो, बोल जोर से सारे कहते हो कैमरा ने पटको। तो दोस्तों, ये हमारा बाणेज है। और दोस्तों, हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मुझे मेरे जन्मदिन का गिफ्ट देना होगा। तो आप क्या गिफ्ट देते हो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको पता नहीं कि आप क्या गिफ्ट देना चाहते हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बता दूं, आपको इधर लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो और सपोर्ट कर दो भाई को। ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए, तो आप मुझे ज़रूर से गिफ्ट करना। तो दोस्तों, मुझे भी तो लगे कि किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, और आप इस भाई को पूरा सपोर्ट करना। तो दोस्तों, आज वीडियो बाकी है, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम आज कुछ ऐसा करने वाले हैं, नहीं तो केक काटने वाले हैं, लेकिन हमारा जो जन्मदिन है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखना, आपको भाई को सपोर्ट कर देना। अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। तो चलो, अब ये हमारा है हमारा बाण है जो आपको कुछ टैलेंट बताने वाला है। तो बता, उस पर आज कर दे थोड़ा जोर से। तो दोस्तों, ये भी पुष्पा राज ही झुकेगा नहीं साला, चलिए इधर बट। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में क्या करना चाहिए वो आप सभी को तो पता ही है। और उसी ऐसी टाइम को आ गया मेरा जन्मदिन। तो दोस्तों, बारिश का मौसम है तो कुछ ऐसा करेंगे जो हमारा जन्मदिन यादगार बना रहे। तो दोस्तों, आप इस ब्लॉग को पूरा देखना, आपको भाई को सपोर्ट कर देना। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि भाई को फेमस कर दो एक बार, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन ये शायद ये ब्लॉग वायरल हो जाए आपके सपोर्ट से। तो यार, इस गरीब को भी कर दिया करो सपोर्ट। तो दोस्तों, मिलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें इस बर्थडे का, यानी कि इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए उस जगह पर चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि ब्लॉग में कि मैं अपना जन्मदिन यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा करूँगा, तो वो फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखना। चलो बताते हैं आपको पीछे के कैमरे से। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ट्री, ये राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। दोस्तों, इस बरगद को हम एक ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर बंजर भूमि है, ऐसी काली जगह में लगाएंगे जहाँ पर ये छाँव के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों, ये कैसे मैंने तैयार किया है, देखो आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ बताता हूँ। ये इसमें इस पॉलीथीन में यहाँ पर इसने जड़े ले लिए, और ये तकनीक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का। तो आप वहाँ से जाके देख लेना कि ये कैसे तैयार किया जाता है, उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा आपको। तो दोस्तों, इस पेड़ को यहाँ से काटेंगे हम, और काट के इसको वहाँ पर ले जाएंगे बंजर भूमि में, और वहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा जन्मदिन यादगार के लिए इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, आपने देख तो लिया ही होगा कि वो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और उसको हम ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर छांव हो सके बंजर भूमि में। तो दोस्तों, हमारे पास
कुछ ऐसी बंजर भूमि है वहाँ पर हम उस पेड़ को लगाएंगे, और बरसात कम मौसम है तो ये एक पेड़ लगाना हमारा कर्तव्य बनता है। हर एक इंसान अगर एक पेड़ लगाएगा हमारा देश वापस ऐसा ही हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी एक पौधा लगाओ और एक संकल्प लीजिए, एक दिन का टाइम निकाल के इस बरसात के मौसम में आप भी एक पौधा लगाना। आपको पता है कि पहले थोड़े दिनों बाद गर्मी पड़ती थी, अभी तो बरसात का मौसम चल गया तो आपको लगता था कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई। तो दोस्तों ये सब पेड़ों के कारण से होता है। पेड़ों को काट देते हैं वो लोग जो लगाना तो नहीं जानते, काटना ज़रूर जानते हैं। उन लोगों से भी ये निवेदन है कि मेरा कि आप एक ट्री की जगह अगर पेड़ काटते हो तो एक पेड़ ज़रूर लगाया करो। तो दोस्तों बिना मतलब किसी पेड़ को मत काटना, क्योंकि पेड़ को लगाने से बड़ा करने तक की कितनी मेहनत लगती है ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने अब तक लगा दिए 5 से 6 पौधे। उसमें से बरगद और इधर से मैंने लगाए आम के पौधे भी लगाए हैं, वो कम से कम एक आम का पौधा लगाया था मैंने, उसको हो चुके हैं 13 साल, उसको अभी फल भी आने लगे हैं, आपको बताऊंगा कभी। दोस्तों इस ब्लॉग को बनाने के लिए मेरा यह कि मकसद था कि मैं लोगों को कुछ इस ब्लॉग में सिखाने को या सीख देने के लिए ये ब्लॉग बनाओ, और शायद आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आप भी एक पौधा लगाओ और अपने देश को रावरा करो, यही हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो और ये हमारा जो हमारा बन है, बोल दो इसमें कुछ पुष्पा रात कर दो, झुकेगा नहीं साला। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हमारे बीज तैयार करते हैं बारिश में। ये देखो दोस्तों किस तरह से बीज तैयार करते हैं, ये फूल गोभी का बीज है, और छाँव के लिए बारिश होती है ज़्यादा तो उसको बचाव के लिए इसके ऊपर ये साड़ियाँ लगा दी, वो नेट लगा दिए, तो इससे जो चीटे पड़ते हैं ना उससे ये बच जाता है। तो चलो दोस्तों वहाँ पर चलते हैं, आप कंटिन्यू रहना ब्लॉग में, और भाई को एक गिफ्ट ज़रूर कर देना, आप एक सपोर्ट कर दो सब्सक्राइब करके, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें वो पेड़ लगाना है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर हम ये पेड़ लगाना चाहते हैं, ये बरगद का, ये हमारे पीछे इस जगह पर हम पेड़ लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं इसको, और आप वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। लेकिन अभी इस जगह की सफाई करना बाकी है, तो चलो इसकी सफाई कर देते हैं पहले, काफ़ी सारा कचरा उग रहा है। पहले दोस्तों इसके लिए हम एक थावला बनाएंगे, उसमें फिर अच्छे से गार को अच्छे से खो देंगे, फिर इसको लगाएंगे, और इसको और इस पेड़ को जानवरों से बचाने के लिए कुछ शिकोर भी करेंगे, झाड़ वाड़ लगाएंगे इधर। तो चलो वीडियो में बने रहेगा। और फाइनली दोस्तों मैंने जो ये थावला भी बना दिया है इधर, अब इसमें लगाने जाएंगे हम उस बरगद को पेड़ को। तो चलो उसको खोलते हैं, उसकी पॉलीथीन को कैसे वो पेड़ तैयार होता है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। तो चलो उसको खोलते हैं अब। चलो दोस्तों अभी मैं आपको इस पॉलीथीन को खोल के बताता हूँ। और ये देखो दोस्तों उस नुस्खे से इस प्रकार से जड़े ले लेता है, तो आप ये तरीका अपना लीजिए अपने पेड़ पर, उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं। तो अब लगाते हैं दोस्तों इसको उसमें। तो फाइनली दोस्तों मैंने लगा दिया इधर ये पेड़, अब इसमें पानी डालने की बारी है। चलो हम पानी लेके आते हैं, फिर इसको जानवरों से बचाने के लिए कुछ झाड़ वाड़ भी लगाएंगे। चलो पानी लेके आते हैं और डाल देते हैं इसमें। और दोस्तों फाइनली मैं पानी भी लेके आ चुका हूँ, और अब डालते हैं उसमें। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है बारिश जैसा। तो चलो इसको पानी को डालते हैं, फिर झाड़ लगा देते हैं। दोस्तों मैंने इस पेड़ को यहाँ पर सिक्योर कर दिया, अब कोई जानवर इसको खाने नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा धमाकेदार जन्मदिन। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना, और मुझे अपना गिफ्ट दे देना। और ये देखो दोस्तों कांटा लग गया मेरे हाथ में। दोस्तों बात कुछ ऐसी थी अभी की, क्योंकि मैं अभी आ रहा था इस पेड़ को लगाने के लिए, तो कुछ मैंने दोस्तों से भी बोला कि चलो इसको लगाते हैं, तो मना कर दिया। और देखो दोस्तों आज के टाइम पर अच्छे काम को कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है, और जो गलत काम होता है उसके लिए तो कोई भी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको भी काम करना है, अच्छा काम करना है हमें, और आगे बढ़ना है। तो चलो दोस्तों आपको साइड में वीडियो देख ब्लॉग वीडियो दिख रहा होगा, उसको जाके बताओ कि कैसा बना है, और मुझे अपना गिफ्ट दे देना। आपका भाई ने बहुत मेहनत की है इस ब्लॉग में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।